है कौन यहाँ पर वीर जिसे, है कौन यहाँ पर वीर जिसे मैं दिल की बात बता पाऊँ, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊँ। ये बात उसी तक पहुँचेगी, ये आँच उसी तक पहुँचेगी, जिसने अग्नि के जल तट पर अपने मन को सेका होगा, जिसने नारी के अशकों को पलक पलक रोका होगा, जिसने रोकी होंगी नदियां, जिसने अंबर रोका होगा, जिसने देखी शमशीर उसे मैं शम और शीर दिखा पाऊं। है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। अग्नि ने मुझको जन्म दिया सो यज्ञ सेनी मैं कहलाई, प्रतिशोध के तीर चलाने को द्रौपदी पिता के घर आई, कमल नयन छवि अति सुंदर कृष्णा का मुझको नाम मिला, मुझसे अधर्म का सर्वनाश ऐसा मुझको वरदान मिला, नागिन सा चढ़ता यौवन कान्हा की प्रीत में रमता मन, कुछ और मगर सौभाग्य मेरे ये कह गए कृष्ण आराध्य मेरे, ब्राह्मण का धर कर सरल वेश अर्जुन ने किया था लक्ष्य भेद, अभिमान भूपों का चूर्ण हुआ इति स्वयंवर संपूर्ण हुआ, अर्जुन छवि है मोहन की मैं अर्जुन की अब हो जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। हाय माँ ने क्या यह बात कही, अब कैसे हो यह बात सही, खुद को कैसे यूं बांट दूं मैं पर नर का कैसे पाप लूं मैं, अवज्ञा माँ की कैसे करूं हे प्रभु कहो मैं डूब मरूं, पर नारी पुरुषार्थ है नर का नारी धिक्कारी जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। मुश्किल बहुत यह कृत्य सखी है इच्छाएं सब मृत सखी, हर वर्ष कक्ष बदलती हूँ स्वामी सा रंग मैं धरती हूँ, अर्जुन को मेरा मोह नहीं वनवास गए विछोह नहीं, रुका हुआ पानी हूँ मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी हूँ मैं, पंचपति पांचाली मैं पृथक पृथक बिखरी जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। ध्रुत कीड़ा का सेत सजा पाखंड का मैला खेल रचा, मेरे क्या केश पकड़ता है जा तुझको काल जकड़ता है, अधर्मी अभिमानी मुरख मंद बुद्धि अज्ञानी मुरख, धृतराष्ट्र और द्रोण सभी सभा में बैठे मौन सभी, चुप है मेरे वीरपति कैसे मैं लाज बचा पाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। घमंड शत्रु पर भारी है रणचंडी अवतारी है, काली का अवतार हूं मैं हाँ खुद में हाँ हाकार हूं मैं, झुके शीश कट जाएंगे जो मौन अभी चिल्लाएंगे, कृष्णा ने मेरी लाज धरी मैं अल्पमति से डर जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मन की पीड़ा गा पाऊं। अरण्यवास अज्ञातवास समय के देखो सभी दास, दुर्योधन न्याय ले न सका पांच ग्राम भी दे न सका, नियति ने जो लिखा कभी होगा अब परिणाम वही, धर्म धर्म का रण होगा महाभारत का रण होगा, पति पुत्र पिता सबको मैं माथे तिलक लगा जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। ये इस भाव को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि द्रौपदी ने ये तो कहा था कि मैं उसके रक्त से अपने केश धोऊंगी, लेकिन जब एक्चुअली वो केश पे रक्त डाला गया तो ऐसी कुछ भावना थी कि माथे से लहू टपकता है अपनों सा लहू महकता है, भीषण नर संहार मिला ये कैसा विजय उपहार मिला, लाशों से हैपटी धरती रोती माँ विलाप करती, कुंती और गांधारी सभी हस्तनापुर की नारी सभी, जिन बेटों को जन्म दिया बेजान देह कैसे पाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। लोभ वासना अहंकार, लोभ वासना अहंकार पतन की दिशा के है द्वार, मृत्यु जब मुंह को खोलती है जात धर्म नहीं तोलती है, मेरू की गोद में लेटी हुई जीवन से विदाई लेती हुई, पांच पति कोई साथ नहीं
इसमें विचित्र कोई बात नहीं। नियति की कठपुतली बन मैं मंद मंद ही मुस्काऊं, है किस प्राणी में धीरज से मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। ये बात नहीं अभी पूरी है, कुछ इच्छा मेरी अधूरी है। तुम कल जो गरियह काव्य लिखो, ज्वाला से मेरा भाग्य लिखो, जो हो उचित हो सत्य वही, मैं रहूं जहां हो वक्त सही। कोई नजर न मुझको छू पाए, कोई कीटक ना अब गुर्राए, मैं अपने खुद के भाग्य का घर जीत जीत बुनती जाऊं। हो मुझ में इतना धीर कि मैं अब मन की पीड़ा ना गाऊं, मुझ में इतना धीर कि मैं अब मन की पीड़ा ना गाऊं।